चलो अब यहाँ से है ना मैं इस जाली को तोड़ के अंदर जा रहा हूँ। ओके अब आता दिखाता हूँ साले को। ओ भाई मारो मारो इनकी तारा, वो मास्क मार निकल गया। अबे 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 मास्क मार निकल गया गाइस, गाड़ी लेकर अबे हेलीकॉप्टर लेकर निकल गया। रुक 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 साले को छोड़ता नहीं, रॉकेट लॉन्चर निकालता हूँ। ये आजा बेटा आजा, एक दो तीन बूम। तो गाइस इस वक्त है ना माहौल बहुत ज्यादा गर्म है, माइकल की फैमिली हो चुकी है किडनैप। किसने किया है, किसने इतनी बड़ी हिम्मत की है माइकल की फैमिली को किडनैप करने की, ये सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो भाई यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल। और गाइस आज की इस वीडियो में भाई बहुत सारी चीजें होने वाली है। सबसे पहले गाइस जिस बंदे ने किडनैप किया है ना उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मुझे लेस्टर ने निकाल के दिया। ये और कोई नहीं, ये वही बंदा है जिसके घर में हम लोगों ने 15 साल पहले चोरी की थी और उसी के गलती की वजह से गाइस उसका घर जला था, उसकी पूरी फैमिली जली थी। वो जब हमें मारने के लिए आया उसने राउंड फायर की अपनी बंदूक से, गोली फायर की हमारे ऊपर, जो कि गाइस गलती से उसके टीवी पर फायर हुई, टीवी जल गया, पूरा घर जल गया, उसकी फैमिली मर गई। और ये बंदा भाई हमारे पीछे भागा इसलिए ये बच गया, पुलिस ने इसको धर लिया, इसमें हमारी क्या गलती है भाई। और इस बात का बदला लेने के 15 साल बाद ये मेरे पास आया। तो भाई मैंने अभी अभी ट्रेवर को फोन किया और ट्रेवर गाइस थोड़ी देर में लॉस सैंटोस एयरपोर्ट पर पहुंचने वाला है। ट्रेवर को मैंने बता दिया कि मैं थोड़ी देर में लॉस सैंटोस एयरपोर्ट पर पहुंच रहा हूं अपना एवेंजर प्लेन लेके, तो भाई तैयार रहना। तो गाइस अभी ट्रेवर अपनी मेबैक लेकर के पहुंच रहा है गाइस एयरपोर्ट पर। अब जल्दी से अपना ये एवेंजर प्लेन यहां से स्टार्ट करते हैं और सीधे चलते हैं लॉस सैंटोस एयरपोर्ट पर। फाइनली लॉस सैंटोस एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और ये देखो गाइस हम लोग इस वक्त चला रहे हैं एवेंजर्स का ये प्लेन, जो कि गाइस काफी ज्यादा बड़ा है। और इस वक्त मैं अपने सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ लॉस सैंटोस एयरपोर्ट पे वापस आ चुका हूं। और इस बार गाइस ट्रेवर ने थाम लिया कि भाई इस मास्क मैन को वो खत्म करके रहेगा। तो गाइस अभी ट्रेवर है ना मुझे पिकअप करने के लिए अपनी मेबैक लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। तो चल भाई ट्रेवर जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ, निकलते हैं भाई अपन यहां से। देखो हमने लेस्टर को है ना अपना हैकिंग टेक्निक इस्तेमाल करके उस मास्क मैन को ट्रैक करने के लिए बोल तो दिया है, लेकिन गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेरी का हैकर, जो गाइस रिसेंटली अपनी एक हैकिंग टेक्निक से उसने गाइस FIB का सर्वर हैक किया था और उसके बाद उसको जेल हो गई थी। लेकिन गाइस 15 दिन के अंदर वो अपने जेल से बाहर भी आ गया। वो कैसे आए ये तो भाई उसी से पूछना पड़ेगा, लेकिन ये बात जैसी मुझे बेनी ने बताई ना तो गाइस मैंने तुरंत थाम लिया कि यार ये काम मैं सिर्फ और सिर्फ ये मास्क मैन का काम सिर्फ और सिर्फ इसी बंदे से करवा सकता हूँ जिसका नाम है गाइस जयेश द हैकर। और ये बंदा है ना ये हमें हेल्प करेगा उस मास्क मैन को हैक करने में, उस बंदे को ट्रैक करने में। तो गाइस एक काम करते हैं फटाफट से एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। अबे यार गलती से गाइस यहाँ का बोर्ड टूट गया और यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड आ गया गुस्से में। और अरे अरे क्या चल रहा है तुम्हारा, अरे तेरी भैंस की डांग, सारे पता नहीं क्या गाड़ी के अंदर कौन है, निकल तेरी भैंस की। और बाप रे मुझे धक्का दिया, मार चाले को इसकी भैंस की टांग। ला भैया तोड़ दिया भाई भाई यार मेरा ड्राइवर भाई बहुत खतरनाक है, सिक्योरिटी गार्ड ला भाई कुचल दिया साले को, रास्ता अड़ाने की कोशिश कर रहा था। चलो गाइस अब जल्दी से निकलते हैं यहाँ से और सीधे चलते हैं। लेकिन एक सेकंड एक गड़बड़ हो गई है, पुलिस को हाई अलर्ट मिल चुका है। मैं एक काम करता हूँ ना, ये देखो यहाँ पर सीढ़ी है, इन सीढ़ियों से इस गाड़ी को नीचे उतार देता हूँ क्योंकि हमें है ना इस नीचे वाले रास्ते पर जाना है। लेकिन मैं जिस मेन रोड से जा रहा था वहां पर पुलिस का पहरा बढ़ चुका है क्योंकि हमने अभी अभी एक सिक्योरिटी गार्ड को पेला है, तो इसलिए गाइस हम लोग उस रास्ते से नहीं जा सकते, हम लोग ये पीछे वाले रास्ते से जाएंगे। तो गाइस यहाँ से ना बैनी का जो शोरूम है वो ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन पुलिस सब जगह ढूंढ रही है। तो मैं काम करता हूँ इस पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा कर रुक जाते हैं यहीं पर, वैसे भी अपने काले कांच है किसी को दिखेगा नहीं कि हम लोग यहाँ पर क्या करें। और भाई गाड़ी पे कोई खरोच भी नहीं क्योंकि हमने एक आदमी को ही उड़ाया। ऑल राइट, तो गाइस अभी अभी मुझे क्लियरेंस मिल चुका है लेस्टर से, उसने कहा कि भाई पुलिस तेरे पीछे से हट चुकी है, अब जल्दी से बैनी के शोरूम में जा। अब गाइस हम लोग बैनी बने भाई 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 ठुकते ठुकते रहेगा गाइस, बात करते करते कभी कभी पता नहीं यहाँ वहाँ निकल जाता हूँ। एनीवेज गाइस तो अभी एक काम करते हैं ना फटाफट से चलते बेनी के शोरूम में। अब ये जो हैकर है इसकी भाई अलग ही डिमांड है, अब ये हैकर कौन है क्या है वो अभी आपको मैं दिखाई देता हूँ। और ये रहा बेनी, अच्छा ठीक है चल ये हैकर है ना पीछे के रास्ते पर है, अच्छा पीछे पीछे क्यों बैठा है उसको आगे आ रहा है यार, वो हैकर अपना पूरा सिस्टम लेके आए। क्या बात कर रहा है, ऐसा कौन सा सिस्टम लेके आया भाई, अरे जाके देख ले यार भैंस की डांग। गाइस पता नहीं ये हैकर ऐसा कौन सा सिस्टम लेके आया भाई जिसके बारे में बेनी बात कर रहा है, लगता है गाइस ये हैकर काफी बड़ा और काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी। ओ भाई साहब ये देखो यहाँ पर ये हैकर, ये तो अपना गेमिंग चेयर और इतने सारे कंप्यूटर मशीन वॉकी टॉकी पता नहीं क्या क्या लेके बैठा है यहाँ पर। मुझे तो लग रहा था भाई ये एकदम नॉर्मल लैपटॉप लेके आएगा, लेकिन ये देख रहे हो कितने बड़े बड़े मशीन, कॉफी मशीन पता नहीं भाई साहब। अरे हैकर भैया मेरा नाम है माइकल। अरे माइकल सर आपको कौन नहीं जानता, वैसे मैं आपके काम के लिए यहाँ पर आऊँ, आपकी फैमिली किडनैप हुई है ना,
अरे यार भाई मात बात मत निकाल यार मेरी फैमिली की। अच्छा एक बात बता, ये हैकिंग का क्या लेगा तू? अरे देखो सर माइकल, $50,000 लूंगा। अच्छा 50, चल भाई दे दिए। लेकिन लेकिन माइकल सर, एक इम्पोर्टेंट काम आपको मेरा करना पड़ेगा। क्या भाई, क्या काम करना है? अरे माइकल सर, मैंने एक फरारी खरीदी थी, खरीदी नहीं थी एक्चुअली चोरी की थी, और किसी और चोर ने मेरी फरारी चुरा ली है, और वो चोरी होने के बाद वो पकड़ी भी गई, पुलिस वालों ने उसे अंडर कवर रख दिया। क्या बात कर रहा है, मतलब मुझे पुलिस स्टेशन से तेरी चुराई हुई फरारी वापस चुरानी है? हाँ सर हाँ, बहुत मदद कर दो यार, मतलब वो एक काम कर दो और बदले में $50,000 दे दो। बेनी यार जरा पता लगवा ये कौन से पुलिस स्टेशन में रखवाई है, मैं जाके लेके आता हूँ। हाँ माइकल रुक जा, मैं अभी तुरंत पता लगवाता हूँ। और एक काम करना, ये $50,000 का इंतजाम करवा दे, मैं देखता हूँ भाई। चल भाई आकर मैं तेरी गाड़ी तो लेके आ जाऊंगा, और ट्रेवर तू यहीं पर रुक, और सिक्योरिटी तुम भी यहीं पर रुको, हम मैं अकेला जाऊंगा और गाड़ी लेके आऊंगा, ठीक है? वैसे गाइस अभी तक ना बेनी ने अपना सिस्टम विस्टम लगा कर अपना पूरे जो सिक्योरिटी अपने क्या कहते हैं अपने जो छेले हैं उन सभी को फोन कर सभी से पूछ भी लिया होगा कि इस हैकर की अपनी जो फरारी है वो कहाँ पर है। तो गाइस अभी एक काम करते हैं ना, फटाफट से यहाँ से निकालते हैं अपनी मेबैक। ओ भाई साहब रास्ता, अरे 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 एक मिनट, ये पुलिस 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 की गाड़ी कहाँ पर आ गई? ओ भाई 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 एक सेकंड गाइस, मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना मैं यहीं पर रुक जाता हूँ, ये पुलिस को झगड़ने दो, ये लोग है ना ये देखो ये लोग पुलिस को मार रहे हैं, मारने दो इनकी भैंस की टांग, पुलिस वाले मर जाएंगे, पुलिस वालों की गाड़ी लेके मैं पुलिस स्टेशन चला जाऊंगा, किसी को शक भी नहीं होगा। भाई मेरे पास तो बहुत बढ़िया प्लान है, मारो साले पुलिस वाले। अबे ये तो निकल रहे हैं, ओए अबे भागो मत, अरे तुम्हारी यार ये पुलिस वाले से डर के भाग गए। अबे क्या गुंडा बने जा रहे तू, चारे उड़ा दिया उसको भाई, वो ट्रक वाला उड़ा के भाई खून खून निकाल दिया भाई पूरा, मेरे गाड़ी पर भी खून लग गया, अरे ये पुलिस वाले की गाड़ी भी लेके भाग गए। अबे यार गाइस क्या किस्मत है भाई, मेरी जबर किस्मत है भाई, साला मैंने जो प्लान बना था वो तो पूरा चौपट ही हो गया। चलो गाइस यार जो अपना प्लान ए था उसी पर चलते हैं भाई, अपनी जो मेबैक लेकर यहाँ से निकलते हैं। और गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो। तो चलो गाइस यार अभी है ना मैं इस वक्त पहुंच चुका हूँ एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर पैड पे, जिसे हेलीपैड कहते हैं। तो मैंने अपनी बाप रे बाप गई, हे भगवान, मैंने तो सोचा था भाई यार अभी मैं अपनी मेबैक पार्क करूंगा, लेकिन वो जो जाली थी वो इतनी बकवास थी कि गाइस मेरा ब्रेक ही नहीं लगा, और भाई सीधे अपनी गाड़ी गई खाई के अंदर, मतलब वो पानी में। अब ठीक है, और बेनी को बोल के मैं उसे लिफ्ट करवा दूंगा, अभी मुझे निकलना है तो भाई ये हेलीकॉप्टर मुझे लेके जाना पड़ेगा, ये गाइस किसी और का नहीं बेनी का हेलीकॉप्टर है। तो गाइस अपन यहाँ से फटाफट से इस हेलीकॉप्टर को निकालते हैं और सीधे चलते हैं गाइस LSPD डिपार्टमेंट, यानी कि गाइस लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ। अब गाइस मुझे अभी अभी ना बेनी ने एक लोकेशन भेजा है, और ये वही लोकेशन है जहां पर इस बंदे की, इस हैकर की फरारी पुलिस वालों ने अपने गैराज के अंदर लगा कर रखी। अब ये कहां पर है, क्या है, ये अपने को सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन सबसे पहले गाइस मुझे लैंड करना पड़ेगा उस LSPD डिपार्टमेंट के हेलीपैड के ऊपर। अब वो हेलीपैड कहां पर है, यहां से कहीं पर लेफ्ट में है, ऐसा मुझे बेनी ने कहा है, वो मेरा लोकेशन जो है मेरे फोन से ट्रैक कर रहा है। और एक सेकंड, यहां पर लाल लाल निशान मुझे नजर आ तो रहे, एक सेकंड गाइस जरा चेक कर लेता हूं ठीक से। गाइस लाल, आप वो देखो गाइस दिख गए एच लिखा है, यानी कि हेलीपैड। तो ये वही लोकेशन है जहां पर अपने को अपना ये हेलीकॉप्टर पार्क करना है, ठीक है? अब मैं जल्दी से इसे लैंड करता हूँ। ओ भाई 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 ठीक से गई। चलो गाइस फाइनली अपना हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड हो चुका है, बाद में इसे बेनी को बोल के मैं कलेक्ट करवा लूंगा, लेकिन अभी गाइस मुझे, अरे 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 गिर गया भाई, मेरे को इस दीवार पर चढ़ना था, चढ़ नहीं पाया। चलो गाइस यहाँ पर दूसरा रास्ता तो होना ही चाहिए, दूसरा रास्ता यहीं पर कहीं पर होगा, एक मिनट, यहाँ पर सीढ़ी है, सीढ़ी से ऊपर चले जाता हूँ। ऑल राइट, तो गाइस मैं छत पर आ तो चुका हूँ, लेकिन हाँ ये पहुंच गया मैं ऊपर। एक मिनट, ये देखो यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां खड़ी है, मुझे यहाँ पर दूर दूर तक फरारी तो नजर नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी पुलिस नजर आ रही है। हो सकता है गाइस यहाँ पर फरारी इसके नीचे हो, यानी कि गैराज के अंदर हो, पुलिस वालों ने वहां पर रखी हो। तो मैं काम करता हूँ, फटाफट से अपनी स्नाइपर निकाल के पहले पुलिस वालों को पेलता हूँ। रुको यार यहाँ से एम नहीं लग रहा है, जरा ऊपर जाना पड़ेगा। ले आ गया मैं ऊपर, आ बेटे ए तेरी भैंस की टांग, आ जाइए गया दूसरा, इसकी टांग तोड़ी, इसका सिर भी तोड़ा, यह गया भाई, और इसके इसकी किडनी आ लग गई भाई किडनी पे, आ जा भाई, बच गया ले तेरी भैंस की। चलो गाइस सब पुलिस वालों को बाहर के पेल दिया, अब इससे पहले कि बाकी पुलिस आ जाए मैं यहां से नीचे कूदा। भाई साहब बच गया गाइस, मुझे कुछ नहीं लगा, वैसे भी मैंने आर्मर पहन के रखा है, लेकिन एक मिनट, यहां पर ग्रीन सिग्नल है, पक्का फरारी यहीं पर होनी। ले भैया मिल गई अपने को फरारी। चलो भाई हैकर का तो काम 25 हो चुका है, लेकिन ये रेड एंड ब्लू एडिशन की फरारी है, जो कि गाइस काफी ज्यादा खास है।
तो गाइस फटाफट से यहाँ से निकलते इससे पहले कि पुलिस यहाँ पर आ जाए। ले भैया पुलिस वालों को पता चल चुका है, ले भैया लग गई मेरे पीछे। भाई मुझे जल्द से जल्द इस फरारी को भगाना पड़ेगा। और भाई उस हैकर तक एक बार गाड़ी पहुंचा दी, उसने मेरे फैमिली का लोकेशन बता दिया, उसके बाद तो मुझे टेंशन की जरूरत नहीं। बस और मास्क मैन मेरे हाथ लग जाए भाई आज तो। अरे भाई मुझे लॉन्ग वे से जाना पड़ेगा। आप रे आ गई सामने से पुलिस, तुम्हारी भैंस की टांग। आ जाओ बेटा आ जाओ पीछे पीछे आ जाओ, आ जाओ बेटा पीछे आ जाओ। रुको गाइस इनको चकमा देने के लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान है। आ जाओ बेटा पीछे आ जाओ गाइस अभी दिखाता हूँ इनको दिखाता हूँ इनकी पास की। आ जाओ बेटा पीछे आते रहो गाइस इनको चकमा देने के लिए। इनको पता नहीं इनकी है भाई शादी शुदी गाड़ी और मेरे पास है भाई ये फरारी। इनको क्या लग रहा है ये मुझे चेस कर पाएंगे। बैंगन गाइस भैंस की टांग इनके। रुको मैं यहाँ से राइट ले लेता हूँ, ये रास्ता जाता है सीधे बहनी के गैराज की तरफ। अबे बेटा भाई सामने से आ गए कमीने, सामने से पता नहीं कैसे गए। मुझे लगता है एयरपोर्ट वाली पुलिस है, इनको भी पता चल चुका है। मैं काम करता हूँ फटाफट से यहाँ से अंदर डाल देता हूँ। एक गई अपनी गाड़ी अंदर। चलो भाई अब पुलिस वाले घंटा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे अपना, मैं इसके पीछे लगा देता हूँ गाड़ी को। चलो भाई आ गए। चल भाई हैकर ले भैया तेरी फरारी आ गई। चल भाई एक काम तो हो गया, $50,000 तुझे अगले आधे घंटे में मिल जाएंगे, ट्रेवल तेरा ट्रांसफर करवा देगा। अब मुझे जल्दी से बता मेरी फैमिली की लोकेशन। अरे हाँ सर, माइकल सर आपने तो बहुत ही बढ़िया काम किया है, वैसे पुलिस तो नहीं लगी। अब नहीं यार तो उसकी टेंशन मत ले, तो एक काम कर जल्दी से मुझे मास्क मैन का लोकेशन भेज। हाँ जल्दी से भेजता हूँ सर, व्हाट्सएप का चेक करो आपका। ओके भेजता हूँ। चलो ठीक है गाइस अभी है ना मेरी बात हो रही है, एक सेकंड भाई जल्दी कर यार जल्दी कर। अरे सर भेज रहा हूँ, 2 मिनट व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, टेंशन मत लो आप, निकलो यहाँ से। ऑल राइट तो गाइस मेरी सेक्रेटरी से बात हो चुकी है मेरे, और इसने कहा है कि एक मिनट यहाँ पर पुलिस कहाँ से आ गई। अरे भैया मेरा पीछा करते करते यहाँ पर पुलिस आ गई है गाइस। अरे ट्रेवर क्या कर रहा है, ट्रेवर मार सालों को इनकी पास की। ओए वो देख ट्रेवर, ओ ट्रेवर है पेल दे पुलिस वालों को। भाई हैकर ने अभी तक लोकेशन नहीं दिया, ओए हैकर लोकेशन दे नहीं तो साले तुझे गोली मार दूंगा। ओए टकले तेरी पास की। अब यार गाइस गड़बड़ हो गई, ए तेरी बांस की साले हमको मारेगा साले, ए टकले ले तेरी बांस की। और कोई पुलिस आ, अबे हैकर क्या कर रहा भाई। अरे सर हो गया जल्दी एक मिनट में लोकेशन भेज रहा हूँ। अबे जल्दी कर यार यहाँ पर पुलिस तोड़ दी गई मुझे, कर नहीं तो गोली मार दूंगा। अबे यार कर रहा हूँ सर, आप कितना टेंशन ले रहे हो और कितना टेंशन दे रहे हो। अबे तेरी पास की टांग साले, मेरी फैमिली किडनैप है, तेरा बाप क्या कहा जा रहा है, जल्दी लोकेशन भेज। अबे यार सर भेज रहा हूँ, हो गया निकलो व्हाट्सएप पे लोकेशन भेज दिया। चलो गाइस फाइनली अपने को लोकेशन मिल चुका है। साले ने तो भाई मुझे डिप्रेशन में डाल दिया था, लेकिन अब गाइस पुलिस से मुझे लड़ना है, यहाँ से निकलना है। तो एक सेकंड निकले कैसे भाई, अपनी तो मेरे पास वहां पर है जो मैंने अभी उठाने के लिए गए। अब यार क्या करूं, एक मिनट मुझे लगता है पुलिस की गाड़ी लेके जाना यहाँ पर बेहतर होगा। बॉयज जल्दी से गाड़ी में बैठो, अब जल्दी बैठो तुम्हारी भैंस की टांग, जल्दी बैठो। कवर कहाँ पर है भाई, और जल्दी बैठ भाई जल्दी बैठ, निकल यहाँ से, लोकेशन मिल चुकी है। हाँ माइकल लेकर आ गया। चलो गाइस हमें फाइनली लोकेशन मिल चुकी है। अब गाइस यार इस मास्क मैन की धज्जियां ही उड़ाई ना साले को, मेरी फैमिली को किडनैप करने की हिम्मत पूरा लॉस एंड ऑस में किसी के पास नहीं है, और इस कमीने ने मेरे फैमिली को किडनैप करके रखा है। इसको दिखाता हूँ इसकी पैंस की टांग। गाइस अगर आज मेरे फैमिली को मैंने बचाया नहीं ना तो भाई पता नहीं क्या ही हो जाएगा। मैं काम करता हूँ ना फटाफट से यहाँ से भगा दो। रुको यार एक मिनट गाइस, मुझे ना पुलिस से छुटकारा भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही चलता रहा ना तो भाई ये पुलिस कहीं का नहीं छोड़ेगी, और वैसे भी पुलिस की गाड़ी लेके मैं जा रहा हूँ। तो गाइस अभी भी मुझे लेस्टर ने कहा कि पुलिस तेरे पीछे से निकल चुकी है, फटाफट से जिस भी लोकेशन से निकल। अरे भैया देखो यहीं पर थी पुलिस। रुको गाइस मैं यहाँ से यूटर्न ले लेता हूँ। आ जा ये, अरे यार फंस गई गाड़ी। अबे यार ये पुलिस की क्या भंगार गाड़ी होती है भाई। आ गई। चलो गाइस फाइनली इसकी गाड़ी आ चुकी है। चलो गाइस अब एक काम करते हैं ना, फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और सीधे चलते हैं भाई मास्क मैन की लोकेशन पर। पुलिस की गाड़ी ज्यादा तेज भागती नहीं है, लेकिन एक सेकंड सामने एक बंदी खड़ी है, वो कह रही है कि उसकी गाड़ी चोरी हो गई है। तेरी पास की क्या उड़ा दिया साली को। चलो गाइस उसकी गाड़ी अभी, इसी बंदी की गाड़ी अपन चुराते हैं। ये तो मर गई, लेकिन अब गाइस जिस बंदे ने उसकी गाड़ी चुराई है ना उसको भी मारेंगे, और इस बंदी की गाड़ी भी चुरा लेंगे, छोड़ेंगे नहीं सालों को। भाई सरे आम चोरिया हो रही है भाई लॉस एंड टॉस में, कहाँ गई भाई वो गाड़ी। ट्रेवर तुझे गाड़ी दिख रहे हो, और माइकल वो देख सामने लाल गाड़ी। हाँ वही है रुक इसको तोड़ता हूँ साले को। पकड़ा गया, चल ये ले भैया, ठोक दिया गाड़ी को इसने। चल बेटा बाहर निकल साले, ठोक दूंगा। ले भैया निकल नहीं रहा था, ठोक दिया साले को। चलो गाइस ये निकल गया बाहर। चलो गाइस अब जल्दी से है ना इस गाड़ी को लेके यहाँ से निकलते हैं पैंस की टांग।
निकल निकल निकल। ऑल राइट, तो गाइस हम लोग फाइनली है ना एक अच्छी सी गाड़ी को लेके यहाँ से निकल तो चुके हैं। अब गाइस सीधे चलते हैं मास्क मैन की तरफ। भाई माइकल ने अपनी किसी भी हालत में अपनी फैमिली को आज बचाना है, नहीं तो भाई यार माइकल की फैमिली को अगर कुछ हो गया ना तो माइकल भाई किसी को नहीं छोड़ेगा, कसम से बता रहा हूँ। तो गाइस अब जल्दी से चलते हैं। और गाइस आपको बता दूं, ये लोकेशन जिस लोकेशन पर इस वक्त रखा है ना मास्क मैन ने अपने माइकल की फैमिली को, ये लोकेशन यहीं पर आसपास है, एयरपोर्ट के आसपास है कहीं पर, लेकिन उसके बीच में यानी कि एयरपोर्ट और उस लोकेशन के बीच में एक बहुत ही बड़ा समुंदर है, और वो समुंदर के आर पार तो हम लोग जा नहीं सकते, इसलिए गाइज हमें बाय रोड जाना है, तो भाई पूरा घूम के जाना पड़ेगा। तो मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान है। ट्रेवर कह रहा है कि यहाँ से ना जैसी कोई ट्रेन पास हो जाएगी ना अपन इस रेलवे ट्रैक से जाएंगे। तो गाइज सामने से ना मुझे ट्रेन आती नजर तो आ रही है। जी हाँ गाइज एक ट्रेन तो आ रही है। अब एक काम करते हैं, जैसी ट्रेन पास हो जाएगी हम लोग साइड के ट्रैक से निकल जाएंगे। चल 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 निकल निकल भाई, मालगाड़ी है लगता है। ओके तो गाइस यार मालगाड़ी तो यहाँ से निकल चुकी है। अब एक काम करते हैं, बाजू वाले ट्रैक से यहाँ से निकलते हैं गाइस, लेट्स गो। ओ भाई साहब ये देखो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं इस डॉक यार्ड पर। यहाँ पर गाइस बहुत ही अफरा तफरी होती है और बहुत ही बहुत सारा जो है स्मगलिंग जो है इस वाले पोर्ट पर होता है, और यहाँ पर बहुत सारे कंटेनर्स भी है। तो हो सकता है गाइस यहीं पर कहीं पर माइकल की फैमिली को छुपा के रखा हो, लेकिन यहाँ पर तो भाई मुझे कोई नजर तो नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है मास्क मैन और उसके आदमियों ने माइकल की फैमिली को कहाँ पर छुपा के रखा है, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक तो भाई मुझे कोई गाड़ियाँ भी नजर नहीं आ रही, ना ही कोई लोग नजर आ रहे, और वैसे भी ये इतना शांत नहीं होता यार पोर्ट कभी, लेकिन ये शांत तो लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइस। एक काम करता हूँ जरा घूम के देख ही लेते गाइस, हो सकता है। एक मिनट यहाँ पर अभी भी मुझे एक ट्रक दिखा है, एक मिनट ये ट्रक कहाँ पर जा रहा है, नहीं नहीं ये तो नॉर्मल ट्रक है। एक सेकंड गाइस यहाँ पर कहीं पर होना चाहिए, ओए वो देखो सामने गाइस वो रहा भाई साहब, ये मास्क मैन के एक मिनट ये मास्क मैन की आर्मी है ना। हाँ गाइस वो देखो सामने डिफेंडर भी खड़ी है। ट्रेवर भाई तेरा दिमाग शांत रखना, पहले मुझे कंफर्म करने दे वही बंदे है कि नहीं, और मेरी फैमिली वहां पर है कि नहीं। एक सेकंड गाइस फैमिली है कि नहीं, गाइस मुझे कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है दूर से, मुझे कोई ट्रेसी अमांडा। गाइस फाइनली हमें ट्रेसी अमांडा और जिमी तीनों भी मिल चुके हैं। चलो गाइस रेडी हो जाओ, अपने अपने गन्स रेडी। अबे तेरी बांस की टांग ट्रक वाले होना बाजू में, अबे यार इसको ना गाइस यार हमर वाले, निकल भाई यहां से निकल निकल निकल। चल भाई ट्रेवर रेडी हो जा, अपने को घूम के जाना पड़ेगा, अगर डायरेक्ट हमला करेंगे ना तो ये भाई अपनी फैमिली को मार डालेंगे। तो गाइस हमें किसी भी हालत में आज मास्क मैन को भी पकड़ना है, उसकी पूरी आर्मी को भी खत्म करना, और उसी के साथ मेरी फैमिली को भी बचाना है। तो तीन काम है अपने पास, और थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। ट्रेवर कुछ भी गड़बड़ी मत करना, चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठो, मैं जहां जिस लोकेशन पर लेके जाऊंगा ना उसी लोकेशन पर जाके इनको पेलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चल 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 जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल गाइस चलो, अब यहां से है ना मैं इस जाली को तोड़ के अंदर जा रहा हूं। ओके अब आता दिखाता हूं साले को। भाई मारो मारो इनकी तारा, वो मास्क मैन निकल गया। अबे मास्क मैन निकल गया गाइस, गाड़ी लेकर अबे हेलीकॉप्टर लेकर निकल गया। रुक 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 साले को छोड़ता नहीं, रॉकेट लॉन्चर निकालता हूं। ये आ जा बेटा आ जा, एक दो तीन बूम, ये मरेगा ये मरेगा ये मरेगा, देखना ये मरेगा मेरा मास्क मैन की पास की टांग। गाइस मास्क मैन का हेलीकॉप्टर हमने हवा में ब्लास्ट कर दिया, और इसकी आर्मी भाई हमारे ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। भाई मुझे ना जल्द से जल्द कवर लेना पड़ेगा गाइस, रुको यार यहां पर कवर ले लेता हूं। चलो भाई जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो गाइस। ओ भाई साहब कंटिन्यूअसली फायरिंग चालू है गाइस, ओए कवर में आ जा सिक्योरिटी। अरे बाप गाइस पूरी शिप भर के आर्मी है इसकी, लेकिन मेरी फैमिली अभी भी ऊपर है, और ये लोग भाई हमको खत्म, इनको लग रहा भाई हम तीन ही लोग है, लेकिन इनको क्या पता 300 के बराबर है। ऊपर एक बंदा है, ये गया। चल भाई ऊपर वाले को पेल दिया हम लोगों ने। ओके ओके आजा बेटा आजा 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 इधर आजा। रुको ये लोग ना कुछ लोग लेफ्ट में जाने की कोशिश में है, अगर ये लोग लेफ्ट में चले गए तो भाई मेरी फैमिली गई समझो। रुको गाइस भाई मुझे एक काम करता हूँ, अंदर के रास्ते से ना पीछे चले जाता हूँ, ठीक है। ट्रेवर वहीं पर है, गाड़ी के पास रुका, मेरा सिक्योरिटी गार्ड अंदर रुका है। तो गाइस मैं काम करता हूँ घूम के जाता हूँ और फिर इनकी बैस की टांग करता हूँ। रुको गाइस सालों को छोड़ूंगा नहीं, मेरी फैमिली को किडनैप करने की हिम्मत, इनकी बैस की टांग साले, दिखाता हूँ अभी सालों को। किधर गए भाई किधर गए। ओके तो गाइस मैं इस तरफ आ चुका हूँ, बस यार जहाँ पर ऑक्टोपस नाम का ये शिप है, पता नहीं कौन से देश से आया ये, वो देखो गाइस सामने रही। अब यहाँ से अगर मैं स्नाइपर करूंगा तो मजा आ जाएगा। एक सेकंड ए ए ए ए ए ये गया और ये बच गया। अब मैं गए दो गए अरे बेटा आ जा, मारो मारो सालों को मारो। ये गए भाई दो गिराए। ओके ओके आ जा बेटा तू भी गया और कौन है आज अरे बच गया ए गया। चलो बेटे और ये लास्ट वाला माइकल ने भाई फाइनली अपना काम कर दिया।
माइकल की आर्मी यानी कि ट्रेवर, उसका सिक्योरिटी गार्ड। एक मिनट, एक बंदा ऊपर से नीचे आ रहा है गाइस। अरे अरे अरे, अरे, अरे डिफेंडर के पीछे है वो। ट्रेवर खोल साले को, खोल, मार साले को इसकी पास की टांग। खोल दे खोल दे खोल दे। रुक मैं ऊपर जा रहा हूँ, जल्दी से अपनी फैमिली को बचा लेता हूँ। भाई इनकी आर्मी को तो मैंने खत्म कर दिया और वो रही अपनी फैमिली। भाई साहब ये मास्क मैन अच्छा हुआ यहाँ पर रुका नहीं, वो हेलीकॉप्टर से भाग गया और मैंने उसके हेलीकॉप्टर हवा में ही पेल दिया। ऑल राइट, तो हम लोगों ने फाइनली अपनी फैमिली बचा लिया। तुम तीनों ठीक हो? हाँ ठीक है ठीक है। चलो एक काम करते हैं, अब यहाँ से फटाफट से निकलते हैं। ट्रेवर कहाँ पर गया भाई? और ट्रेवर ओए, मार दिया क्या उसको? हाँ माइकल मार दिया। चलो गाइस अब ठीक है, ट्रेवर ने उसको अबे तुम लोग तीनों ऊपर क्या कर रहे हो? आओ मेरे पीछे, चलो जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा इससे पहले कि अपने पीछे पुलिस लग जाए। और ट्रेवर अपना सिक्योरिटी गार्ड कहाँ पर है? अरे माइकल उसको पेल दिया यार इन लोगों ने। क्या बात कर रहा है, उसको कैसे, उसको कैसे मारा? अरे वो ऊपर जो बंदा था ना जिसको लास्ट में मारा, उसी ने भाई ऊपर से स्नाइपर डाल के उस सिक्योरिटी गार्ड को पेल दिया। अबे यार गाइस यार ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो कोई बात नहीं, अभी है ना एक काम करते, फटाफट से यहाँ से निकलते अपनी डिफेंडर लेकर के। और ट्रेवर तू एक काम कर, पीछे वाली डिफेंडर लेके आ जा हमारे पीछे पीछे, हम लोग यहाँ से निकल रहे। और इस डिफेंडर को लेके यहाँ से निकल रहे क्योंकि इस डिफेंडर में चाबी तो लगी थी, इसलिए गाइस अपने को कोई टेंशन नहीं है निकलने का। अब एक काम करते फटाफट से यहाँ से निकलते, लेकिन एक सेकंड पुलिस यहाँ पर आ चुकी है गाइस। पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया? ओ शिट शिट शिट, गड़बड़ हो गई गाइस, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। ले भैया फायरिंग भी चालू हो गई है। अबे यार अब ट्रेवर को, भाई ट्रेवर को साथ में ले लेना चाहिए था गाइस, ट्रेवर कहीं पर एडजस्ट हो जाता यार, गाड़ी पर खड़ा हो जाता, कुछ भी हो जाता। अब गाइस यार बहुत मुश्किल होने वाला है। चलो गाइस एक काम करते, पहले तो है ना मुझे इस डॉक यार्ड से निकलना है। अबे भैया ये पुलिस का क्या करूं भाई? रुको 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 गाइस, मुझे अरे बच गया। चल 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 जल्दी चलो, जल्दी चलो गाइस, अब जल्दी से मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे जल्द से जल्द एयरपोर्ट जाना है। एयरपोर्ट जाने के बाद गाइस मुझे अपना प्राइवेट प्लेन उठा रहे हैं और भाई अपनी फैमिली को लेके यहाँ से निकलना है। सबसे पहले यहाँ से निकलना है, देखो यार कल अपने बर्थडे पार्टी होने वाली है और मुझे आज किसी भी हालत में लॉस एंटोस से बच के निकलना है गाइस। तो गाइस कल की जो बर्थडे पार्टी होने वाली है वो गाइस सबसे खास जर्मनी में होने वाली है, तो गाइस तैयार हो जाना। लेकिन अभी के लिए गाइस मुझे यहाँ से निकलना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो गाइस अपनी गाड़ी है ना इस वक्त मैं काफी तेज भगा रहा हूँ और ये एयरपोर्ट है ना मुझे सामने नजर तो आ रहा है, लेकिन ये पुलिस वालों का क्या करूँ? रुको गाइस मैं काम करता हूँ, पीछे वाले रास्ते से जाता हूँ वो ज्यादा सेफ रहेगा। ऑल राइट, तो गाइस यार ये पीछे वाला रास्ता एकदम बढ़िया, इसी वाले रास्ते से जाएंगे। पुलिस वाले यहाँ पर मुझे नहीं लगता आ पाएंगे क्योंकि ये एक पार्किंग है और पुलिस मुझे नहीं लगता इस पार्किंग के बारे में ज्यादा जानती भी। अरे आ गई पुलिस। अबे यार ये पुलिस वालों को कैसे पता चल जाता है यार? लगता है गाइस ये मास्क मैन का पुलिस से भी कोई कनेक्शन है। और अरे भाई 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 पुलिस है, आप रे बच गए। रुको रुको रुको, ये हमर वाला कितना तेज चला रहा है भाई। चलो गाइस अब जल्दी से चलते हैं, लेट्स गो। भाई 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 ब्रेक 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 लग गई ब्रेक। चलो गाइस अभी ब्रेक तो लग चुका है, अब गाइस मुझे सीधे जाना है एयरपोर्ट के गेट पर। अंदर जाने के बाद गाइस अपना प्राइवेट प्लेन रेडी है, फटाफट से प्लेन को स्टार्ट करेंगे, लॉस एंटोस एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे बांस की टांग। अब यार हट भाई बीच में से, भाई ये पुलिस वाले मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ चुके हैं ना। रुको गाइस अभी इनको इनकी बांस की इनकी औकात दिखाते, यहाँ पर ना दो चार नेट डाल देता हूँ। आ जाओ बेटा आ जाओ मारो चालो मारो। अब देखो इनकी बांस की टांग, भैया एक साथ चार निशाने, एक तीर और चार, एक ग्रेनेड डाला था मैंने, सिर्फ एक ग्रेनेड, दोनों टैंकर फूट गए, दोनों टैंकर के साथ वो पुलिस की दोनों गाड़ियों की भी धज्जियां उड़ा दी हम लोगों ने। ला भैया मजा आ गया। ऑलराइट, तो ये रहा अपना प्राइवेट प्लेन। चलो 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 जल्दी बैठो, उतरो गाड़ी में, गाड़ी से उतरो, जल्दी से प्राइवेट प्लेन में बैठो। अबे यार ये ओपन किसने रखा नहीं है यार? चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो, अब खुल जा यार। ओके जिम्मी बैठ चुका है, चल 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 ट्रेसी जल्दी चल जल्दी चल अमांडा। ओके तो गाइस हमने फाइनली अपनी फैमिली को रेस्क्यू कर लिया, अब इस वक्त लॉस एंटोस से निकलना सबसे ज्यादा जरूरी है। बस यार ये पुलिस नाक में दम ना कर दे यार। तो गाइस एक बार रनवे पर आ गया ना उसके बाद मुझे नहीं रखना मुझे कोई रोक पाएगा। और बात तो गाइस हम लोग अपना प्राइवेट प्लेन लेके इस वक्त लॉस एंटोस से फाइनली निकल रहे हैं, बस यार कोई गड़बड़ ही ना हो जाए यार। ओके ओके टेक ऑफ। ऑल राइट, फाइनली गाइस हम लोगों ने ले लिया टेक ऑफ, इसका मतलब है बाय 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 बाय। प्लेन का क्या हो रहा भाई अचानक से पता नहीं। ओके। चलो अब स्टेबल हो चुका है गाइस प्लेन, अभी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें गाइस यहाँ से सीधे जाना है भाई अपने प्राइवेट बेस पर, वहां पर गाइस ट्रेवर पहुंचता ही होगा अपनी गाड़ी लेकर के, उसके बाद ट्रेवर के साथ हम लोग एक सेफ लोकेशन पर, सिक्योर लोकेशन पर निकल जाएंगे। तो गाइस अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, लेट्स गो।
ओके 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 भाई ठीक से चल। अरे बाप रे बाप, ये प्लेन का पता नहीं क्या हो रहा है, अचानक से स्पीड बढ़ रही है गाइस, प्लेन में कुछ तो खराबी है, मुझे लैंड करना पड़ेगा। मैं काम करता हूँ सामने गाइस, मुझे एक रनवे दिख रहा है, उसी पर लैंड करता हूँ और ट्रेवर को इस रनवे की लोकेशन भेज देता हूँ, उसके बाद ट्रेवर आके हमें पिकअप कर लेगा। अबे बे 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 भाई पता नहीं प्लेन को अचानक से क्या हो गया गाइस। अबे यार बस ये लैंड हो जाए ठीक से। नहीं 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 गड़बड़ नहीं, गड़बड़ नहीं, माइकल कम ऑन, लैंड हो गए। चलो गाइस फाइनली हम लोग लैंड हो चुके हैं भाई, पता नहीं ये किसका है लेकिन हम लोग यहाँ पर सेफली लैंड तो हो गए। अब गाइस हमें क्या करना है भाई, मैं जल्दी से ट्रेवर को लोकेशन भेज देता हूँ। ऑल राइट, तो हम लोग फाइनली एक सिक्योर लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये गाइस जो बेस है गाइस, ये हमारा पुराना बेस हुआ करता था, यहाँ पर अपना सारा चोरी का माल हम लोग कर रखा करते थे। लेकिन इस वक्त गाइस अपने प्राइवेट प्लेन को मैं यहाँ पर पार्क कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस प्लेन में कुछ खराबी आ गई थी, इसलिए हम लोग जर्मनी तो नहीं जा पाए, लेकिन गाइस जो पार्टी होने वाली है, जो अपनी बर्थडे पार्टी, वो यहीं पर कहीं पर होने वाली है, आगे आने वाले वीडियो पर आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी हम लोग को यहाँ से निकलना है, तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे गाइस ट्रेवर को फोन करना पड़ेगा। ऑल राइट, तो गाइस हमारी फाइनली बात हो चुकी है ट्रेवर से, और ट्रेवर को मैंने जो लाइव लोकेशन भेजा था वो थोड़ी देर में अपनी जो वैन है वो लेके यहाँ पर, भाई इतने जल्दी पहुंच गया, क्या बात है भाई, ये देखो बढ़िया सी वैन लेके आया, मेरी फैमिली इसमें आराम से पीछे बैठ जाएगी, और ये फुली बुलेट प्रूफ है, तो भाई यार टेंशन की बिल्कुल भी बात नहीं है, ट्रेवर मेरे साथ आगे बैठ ही जाएगा। तो गाइस एक काम करते हैं ना, पहले तो यहाँ से निकलते फटाफट से। हाँ भाई ट्रेवर, शहर में क्या माहौल है? अरे यार माइकल क्या बताऊँ, बहुत टेंशन का माहौल है भाई, शहर में जाना इस वक्त खतरे से खाली नहीं है। वो तो अच्छा है कि तूने डिसीजन ले लिया भाई शहर छोड़ के पलीटो में आने का, वैसे तू जर्मनी जाने वाला था ना। अरे यार क्या बताऊँ, प्लेन में खराबी आ गई, इसमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ गई। चलो ठीक है यार, अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। चलो गाइस अब जल्दी से ना अपनी फैमिली को लेके मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अपने इस बड़े से ट्रक में बैठ के। अब इसको क्या कहते हैं पता है, इसे गाइस आरवी कहते हैं, आरवी का फुल फॉर्म क्या है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लेके बताओ, आप लोग काफ़ी ज़्यादा समझदार हो मुझसे भी ज़्यादा। तो गाइस एक काम करते हैं ना, फटाफट से इस आरवी को यहाँ से निकालते हैं और सीधे लेके चलते हैं गाइस अपने सेफ एंड सिक्योर लोकेशन पर। तो गाइस अभी अभी ना मेरी ट्रेवर से बात हो रही थी, और उसने मुझे कहा कि यार ये अपना जो पप्पू मैकेनिक जिसे लास्ट टाइम हम लोगों ने धमकाया था, वो अपना मार्केट छोड़ के, अपना ये पूरा का पूरा गराव छोड़ के भाग गया है। मतलब यार अपनी धमकी से इतना ज्यादा क्यों डर गया वो, एक बार जाके उससे बात ही कर लेते, हो सकता है अपने गैराज में छुपा हो कहीं पर। जल्दी से जाके मैं बात कर लेता हूँ यार अपने पप्पू मैकेनिक से, इतना बड़ा गैराज है भाई। मतलब ठीक है यार गलती हो जाती है पैसे के लालच में, लेकिन एक मिनट ये बंदा कौन है? अरे भाई पप्पू मैकेनिक कहाँ पर है? अरे भैया वो तो छोड़ गया भाग गया, मैं भी मालिक हूँ नया तेरी भैंस की टांग। भाई यार मुझे लगा ही था पप्पू मैकेनिक तो सब कुछ छोड़ के भाग गया यार, मुझे यार ज्यादा धमकी देनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अब क्या ही करेगा, उसने मिलिट्री कर्नल से हाथ मिला लिया और भाई धोखे में मुझे डाल गया था, ट्रेवर को डाल दिया था, फ्रैंकलिन को, लेस्टर, सबको धोखे में डाल दिया था उसने। अब मेरे पास तो कोई ऑप्शन था नहीं, इसलिए गाइस मुझे भाई उसको धमकी देनी पड़ गई, और बेचारा पता नहीं शहर छोड़ के भाग गया क्या छोड़ के भाग गया। तो गाइस मैं एक काम करता हूँ ना, पहले तो यहाँ से निकलते हैं गाइस और सीधे चलते हैं भाई अपने हाईवे पर, क्योंकि गाइस ये हाईवे हमें सीधे लेके जाएगा अपने सेफ एंड सिक्योर लोकेशन पर। और गाइस कल होने वाली है भाई अपनी बर्थडे पार्टी, जो कि गाइस काफ़ी खुशी का माहौल है। इतने सारे टेंशन के बाद माइकल ने अपनी फैमिली को छुड़वाया, अपने पैसे इकट्ठा किए, सब कुछ हो चुका है गाइस फाइनली। अब गाइस है खुशी का माहौल, यानी कि गाइस कल होने वाले जश्न पार्टी, यानी कि गाइस माइकल का बर्थडे पार्टी है कल, और गाइस आप सभी लोगों को आना है। बस यार एक काम कर दो यार, आप लोग पहले एज अ गिफ्ट गाइस इस वीडियो पे कम से कम गाइस 100 लाइक करवा दो यार, और कमेंट में हैप्पी बर्थडे माइकल लिख दो गाइस, ताकि गाइस कल के बर्थडे पर उसको बहुत सारे विशेस मिल सके। तो गाइस अभी है ना फैमिली को छुपाने के लिए मैं गाइस मार्टिन मद्रासो के फार्म हाउस पर पहुंच चुका हूँ। तो गाइस अपनी आरवी यहाँ पर लगा देते, क्योंकि इस वक्त शहर में जाना खतरे से खाली नहीं है। और अब अगर आप सोच रहे हो कि गाइस मैं अपनी पार्टी कहाँ पर करूंगा, तो गाइस यार उसका टेंशन आप मत लो, मैं आपको दिखाता हूँ मैं पार्टी कहाँ पर करूंगा, लेकिन अभी नहीं कल दिखाऊंगा, क्योंकि कल ही वो पार्टी वाला मजा आएगा, कल ही पार्टी वाले वाइब्स आएंगे। आज अपन ने इतने सारे लड़ाई किए, इतने सारे, और अपना सिक्योरिटी गार्ड भी पेला गया गाइस, अब क्या ही कर सकते। ऑल राइट, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ गाइस आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर गाइस, बाय बाय। एंड हाँ मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आए हो तो भाई इसे प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और उसी के साथ गाइस कमेंट में आपको पता है क्या लिखना है, अगर आपको कल की पार्टी देखनी है तो भाई कमेंट में जल्दी से हैप्पी बर्थडे माइकल लिख दो सारे के सारे। मैं मिलता हूँ गाइस आपसे, बाय बाय।